हरे कृष्णा। तो आज हम जानेंगे भगवान कृष्ण ने किस प्रकार पृथ्वी लोक पर एक मनुष्य रूप में जन्म लिया। देवकी के गर्भ में जब भगवान का अवतरण होता है तो एक विशेष प्रकार की आभा देवकी के चेहरे पे हर एक व्यक्ति विशेष को दिखाई पड़ती है। बताते हैं भगवान श्री कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में होता है और भगवान के जन्म के समय सभी ग्रह अपनी विशेष पोजीशन स्थान पर खड़े होते हैं जो कि बहुत ही शुभ होता है। काराग्रह में देवकी भगवान कृष्ण को जन्म देती है। भगवान का जो रूप था वो एक साधारण बाल रूप नहीं अपितु चतुर्भुज विष्णु स्वयं वसुदेव और देवकी के सामने उपस्थित होते हैं। भगवान का ये चतुर्भुज रूप साक्षी है स्वयं देवकी और वसुदेव, जिन्होंने अपने पूर्व जन्म में, जब उनका नाम सुतपा और प्रश्नी गर्भ था, जिन्होंने अपने पूर्व जन्म में तपस्या करी थी कि हमारे हर जन्म में भगवान पुत्र बनकर ही आए। ये साक्षी था भगवान का चतुर्भुज रूप कि हाँ, भगवान ने आज देवकी के घर पे जन्म लिया। भगवान का चतुर्भुज रूप देखकर वसुदेव बोलते हैं, हे भगवान, आप त्रिलोकीनाथ जगतनाथ मेरे घर पर ऐसे पुत्र बनकर जन्म लिए हैं और कंस जो कि आतुर है आपका वध करने के लिए, मैं बड़ा व्यथित हूँ। और इसी बीच में देवकी बोलती हैं, हे भगवान, आप अगर इस रूप में मेरे पुत्र बनकर आएंगे तो जो आम व्यक्ति हैं समझ नहीं पाएंगे कि आप मेरे पुत्र हैं, और मुझे डर है कि कंस कभी भी आपको हानि पहुंचा सकता है। और इसी बीच भगवान विष्णु बोलते हैं, देवकी और वसुदेव, आप मेरे प्रिय भक्त हैं और आपने बहुत तपस्या के पश्चात मुझे आपके यहाँ पुत्र के रूप में पाया है। आपका प्रेम और स्नेह ही है जो आप डर रहे हैं कि कंस मुझे हानि नहीं पहुँचाए, जबकि मुझे कुछ नहीं हो सकता। मैं आपको आदेश देता हूँ कि आप मुझे यहाँ से गोकुल में नंद बाबा के यहाँ पे जो पुत्री हुई है वहां पे आप मुझे छोड़कर आए और पुत्री को साथ में लेकर आए। भगवान के इस आदेश के पश्चात भगवान की योग माया का प्रभाव पूरे कारागृह में इस प्रकार होता है, सभी सिपाही गहरी निद्रा में चले जाते हैं और वसुदेव भगवान को एक टोकरी में बैठाकर अपने सर पर ले जाते हुए जाते हैं। वसुदेव जा रहे हैं यमुना में, यमुना को पार कर रहे हैं, पानी भरता जा रहा है क्योंकि यमुना भगवान के चरणों को छूना चाहती है। और एक बड़ी लहर आती है, भगवान के चरणों को छूती है और यमुना स्वतः ही मार्ग खोल देती है। वसुदेव शांति से गोकुल वृंदावन जाते हैं और वहां पर जो सभी लोग गहरी निद्रा में सोए हुए हैं, बालक कृष्ण को यशोदा के समीप छोड़ते हैं और यशोदा की जो पुत्री हैं उनको अपने साथ वापस मथुरा के कारागृह में लेकर आते हैं। योग माया का जो प्रभाव है वो कम होता है, सभी सिपाही उठ जाते हैं और छोटे बच्चे की कलकार सुनते हैं कि देवकी के आठवें पुत्र ने जन्म ले लिया है। और ये सूचना जैसे ही कंस तक पहुंचती है, कंस दौड़ा दौड़ा कारागृह में आता है। कंस उस शिशु को अपना काल समझकर जैसे ही उसको पत्थर पे फेंकता है, वो शिशु साधारण शिशु नहीं अपितु स्वयं दुर्गा अपने पूरे श्रृंगार में उस कंस को दर्शन देती है और दुर्गा देवी बोलती हैं, मूर्ख कंस, तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाले ने
ऑलरेडी जन्म ले लिया है। तेरा जो काल है, देवकी का जो आठवां पुत्र है, वो गोकुल में सुरक्षित है। देवी माँ की ये बात सुनकर कंस इतना भयभीत हो जाता है, इतना डर जाता है, लेकिन अगले ही क्षण वो षड्यंत्र करता है कि किस प्रकार वो अपने काल से युद्ध करेगा, अपने काल से बदला लेगा। ये हम जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। हरे कृष्ण।